चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। तेरी एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, ज्ञान इतना दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरी एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको तू ना मिलता, अगर मुझको तू ना मिलता, मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुँचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता, ज्ञान तुमने दिया इतना, ज्ञान इतना दिया तुमने भुलाया जा नहीं सकता। तेरी एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। दो तरह का बाजार होता है, एक इच्छा पूर्ति का और एक आवश्यकता पूर्ति का, है ना? इच्छा पूर्ति का बाजार असीमित है और आवश्यकता पूर्ति का बाजार सीमित है। आवश्यकता पूर्ति थोड़े में हो सकती है और ईमानदारी से कमाई करी जाए तो आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, लेकिन इच्छा की पूर्ति के लिए तो आप कितनी कमाई कर लेना, कितना धन कमा लेना, वो तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। आवश्यकता सीमित हैं और इच्छाएं असीमित हैं। मुझे कपड़े पहनना है, ये आवश्यकता है। ऐसे नहीं, ऐसे चाहिए, इस कलर के नहीं इस कलर के चाहिए, इस डिज़ाइन के नहीं इस डिज़ाइन के चाहिए, ये डिज़ाइन पुरानी हो गई नई डिज़ाइन के चाहिए, ये इच्छा हो गई। अब इच्छा का कोई छोर नहीं है, आज जो फैशन आई है कल पुरानी हो जाएगी, कल जो आई है परसों पुरानी हो जाएगी, तुम कहाँ तक भागोगे? कुछ लोग होते हैं जो पजामा कुर्ता पहनते हैं, क्या पहनते हैं? पजामा कुर्ता, फैशन की ज़रूरत ही नहीं। तो क्या लोग उनको अच्छा नहीं मानते? दुनिया में जो लोग पजामा कुर्ता वाइट कलर का पहनते हैं तो क्या वो लोग अच्छे नहीं होते? वही लोग अच्छे होते जो जीन्स पहनते हैं, फटी जीन्स पहनते हैं, खड़े बाल कर रखते हैं, क्या वही अच्छे होते हैं? अरे बोलिए ना, इंसान के दिमाग में सेट हो जाता है। यदि इंसान मोटा है तो वो मोटा सेट, एक दो दिन थोड़ा सा अटपटा लगता है और दो चार दिन के बाद वो सेट हो जाता है। यदि कुर्ता पजामा वाला होगा तो कहीं भी पहचान में आ जाएगा, अरे भाई साहब वहाँ वो कुर्ता पजामा वाले बैठे, जरा बुलाना उनको। अब जीन्स वाले तो बहुत बैठे हैं, किसको बुलाना, एक अलग पहचान हो गई। कोई एक तरह की साड़ी पहनता है, लेकिन ऐसे तो कम ही मिलेंगे, महिलाओं में तो कम मिलेंगे, पुरुषों में तो मिल जाएंगे कुर्ता पजामा वाले, लेकिन महिलाओं में एक तरह के कपड़े पहनने वाले कम मिलेंगे, क्योंकि इनका दिमाग घूमता बहुत है, इनका दिमाग इस मामले में बहुत ज़्यादा चलता है। अभी तो सुबह देखो तो कोई दूसरी ड्रेस, सुबह लगेगा कि बिल्कुल दुल्हन बन के आई है, बिल्कुल यहाँ तक पल्लू, हाथों में चूड़ियाँ। दो घंटे बाद देखोगे तो ना हाथ की चूड़ियाँ, ना गले का हार, और जीन्स में नज़र आ रही है, पहचान ही नहीं पाओगे तुम कि सुबह जिसको देखा दोपहर में वो ही है, दोपहर में जिसको देखा शाम को वो ही है, बहुरूपिया।
क्या इसको क्या कहते हैं, बहुरूपिया। एक रूप बनाती नहीं, बहुरूप में मजा आता है। अपनी पहचान खुद ही खत्म करती है, क्योंकि यदि आपने एक रूप से दूसरा रूप बनाया तो आपकी पहचान खत्म। जो पहचान इंसान के दिमाग में सेट हो जाती है वो पहचान खत्म हो जाती है। साड़ी में दिख रही है तो साड़ी में ही दिख रही है, एक पहचान है दिमाग में। सपने में भी दिखोगे तो साड़ी में दिखोगे। यदि तुम्हें उसका सपना आते ना, सपने आते हैं, तो जिसको आपने हमेशा साड़ी पहनते देखा है तो हमें वो सपने में क्या पहन के आएगा, साड़ी पहन के आएगा। लेकिन जो दिन भर ड्रेस बदलता है उसका तो भरोसा ही नहीं, वो कब क्या पहन के आए। तो इच्छा का व्यापार और आवश्यकता का व्यापार, भोजन का व्यापार। पहले भोजन का व्यापार नहीं होता था, पहले भोजन खिलाना एक पुण्य का काम माना जाता था। और जरूरी नहीं है कि इंसान अपने रिश्तेदार को ही खिलाता था, अनजान व्यक्ति को भी भोजन करा देता था, अनजान व्यक्ति को भी पानी पिला देता था। उसे ये नहीं था कि ये अनजान है तो उसे खाना नहीं खिलाना है, नहीं, पता नहीं कौन परदेसी है। अभी जब कोरोना का टाइम था और जब लोग अपने अपने घर वापस पैदल जा रहे थे तो हजारों लाखों लोगों ने खाना खिलाया उनको। जिस शहर में पहुंचते थे वहीं लोग तैयार हो जाते थे उन्हें खाना खिलाने। ये परंपरा आज की नहीं है, पुरानी है। ये तो उस समय जब सारी होटल बंद हो गई, सब चीज़ बंद हो गई, तो लोगों ने कहा अभी बेचारे खाना कहाँ खाएंगे। आई ना भावना, जब होटल नहीं खुली, ढाबे नहीं खुले, कोई खाने के साधन नहीं थे, इंसान आगे घर के दरवाजे से आगे से जा रहा है, तो जिसके दरवाजे से जा रहा है उसके मन में भावना आ रही है ये खाना कहाँ खाएगा, हम खिला दें। ऐसे अभी तो बंद हो गई थी कोरोना में, लेकिन उस समय होटल होती नहीं थी, तो जब कोई दरवाजे से आगे निकलता था तो खिलाने की भावना अपने आप बन जाती थी। तो भोजन कराना सेवा है, लेकिन अब भोजन व्यापार बन गया है। मैंने एक बार बताया था, एक व्यक्ति बोला, एक आलू उठाकर, आलू था कितने रुपए किलो है आलू, 20 रुपए, हैं 30 रुपए, चलो मान लो 30 रुपए किलो है। एक व्यक्ति बोला कि एक आलू को मैं 30 रुपए में बेच सकता हूँ। कितने में? बोले पागल हो गया क्या, दुकान ठप पड़ जाएगी, आलू की कीमत तो 30 रुपए किलो है, एक किलो में तो जाने कितने आलू चढ़ जाएंगे, तो एक आलू 30 रुपए का बता रहा। बोले हाँ। बोले कैसे? बोले इसकी चिप्स बनाओ और चटपटा इसमें मसाला डाल दो और पैकेट में भर दो। अरे बोलिए ना। बोले ये जो भारत वाले हैं ना, ये मसालों के बड़े प्रेमी होते हैं, ये पेट देख के नहीं खाते हैं, ये स्वाद देख के खाते हैं, इन्हें अपने स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है, चाहे कितनी बीमारियां हो जाएं, मगर खाने में तो वही चाहिए जो स्वाद वाला हो। तो इसीलिए भारत में एक आलू को 30 रुपए में बेचना कोई बड़ी बात, क्योंकि खरीदने वाले इस तरह के हैं। और इनके बच्चे फिर इनसे करेला और नीम चढ़ा, इनके बच्चे इनसे आगे हैं। पुराने लोगों में तो फिर भी संस्कार है कि बाजार का खाना नहीं खाना है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी तो बाजार के बल पे जी रही है, हर बच्चा बीमार हो रहा है। तो इच्छा पूर्ति का बाजार और आवश्यकता पूर्ति का बाजार है ना। तो अभी बाजार कौन सा वाला ज्यादा है? आप एक कंगन खरीदने जाते हो दुकान पर, तो क्या एक ही कंगन खरीद के लाते हो? दुकान वाला ये भी नहीं कहता, भाई साहब ये बहुत अच्छा हार आया है, ये बहुत अच्छे कान के आए हैं, ये बहुत अच्छे बाल का आया है, ये बहुत अच्छा साड़ी का पिन आया है, ये बहुत अच्छा ये आया है। तुम एक चीज खरीदने जाते हो और जैसी तुम्हारे मन भावन चीज तुम्हें दिखती है, इच्छा हो जाती है, घर में कितनी पड़ी है अब इससे मतलब नहीं है, दुकान में अच्छी लग रही है तो खरीद के ले जाना है।
तो व्यापार पहले के समय में कम था, क्यों? क्योंकि केवल आवश्यकता की पूर्ति का था। अब व्यापार ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इच्छाएं ज़्यादा हैं, और जब इच्छाएं बढ़ गई हैं तो व्यापार भी बढ़ गया है। आज लोग मात्र जरूरत की चीज घर में नहीं रखते हैं, बिना जरूरत की चीज ज्यादा है घर में, तो इसलिए व्यापार भी बढ़ रहा है। और जब व्यापार बढ़ रहा है तो फिर पैसा भी बढ़ रहा है, फिर पैसा भी बढ़ रहा है तो फिर और खरीदारी भी बढ़ रही है, फिर खरीदारी बढ़ रही है तो इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। यही है ना, बाजार में जाने के बाद तुम क्या खरीद के लाओगे तुम्हें ही नहीं पता है। कुछ लोगों को तो शॉपिंग का इतना शौक होता है कि जरूरत हो ना हो मगर खरीदने में बड़ा मजा आता है। एक बहन जी बोली, मुझे तो मोल भाव करने में बहुत मजा आता है, इसलिए मैं बाजार जाती हूँ। घर में सामान सब कुछ रखा है लेकिन बाजार जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ? मोल भाव करने में बहुत मजा आता है, सामने वाले से बहसबाजी करने में बहुत मजा आता है, सामने वाले को डांटने में, अरे दुकानदार को डांटते नहीं, उसके यहाँ तो इतना मिल रहा है तो इतना महंगा दे रहे हो, सामने वाले को नीचा दिखाने में बड़ा मजा आता है। ये अभिमान है, ये मान कषाय है। जितना इच्छाओं से दूर रहोगे उतना मान कषाय से दूर रहोगे, और जितना इच्छाएं होंगी उतनी मान कषाय होगी। बंधुओं, भगवान आदिनाथ ने षट कर्म में व्यापार की शिक्षा दी है, वाणिज्य, असी मसी कृषि विद्या और वाणिज्य। वाणिज्य यानी व्यापार। पहले के लोग के पास साधन कम थे, घर में सामान बर्तन कितने होते थे, जितनी जरूरत होती थी, कपड़े कितने होते थे, हाँ जो ऊपर वाले कपड़े होते ना, जैसे अंदर वाले कपड़े बनियान होती है तो बनियान अलग तरह की चलती थी, पहले हाथ की सिली हुई, तो वो लोग केवल वो ही पहन के दिन भर रहते थे। और जब कहीं शादी में जाते थे तो कुर्ता टांग के ले जाते थे, पहन के जाएंगे तो गंदा हो जाएगा, वहीं जाके पहन लेंगे, इतने कम कपड़े होते थे। अब तो इतने बड़े बड़े सूट केस भर भर के ले जाते हैं, और जब कभी ट्रेन में जाते हैं और चोरी हो जाता है, ओहो फिर देखो इनकी हालत, कितने रोते हैं, कितने दुखी होते हैं। पहले इतने कपड़े नहीं होते थे, घर में भी देखा होगा आप लोगों के बच्चों के नए कपड़े दो जोड़ी से ज़्यादा नहीं होते थे, यदि आपको याद हो तो, दो जोड़ी तीन जोड़ी से ज़्यादा नए कपड़े नहीं होते थे। अब तो वो अलमारी भरी पड़ी है, जब बच्चों को कपड़े पहनाने बैठो, ये नहीं पहनना मुझे, ये नहीं पहनना मुझे, ये नहीं पहनना मुझे, पहले तो जो पहना दो कोई दिक्कत नहीं है। इच्छाएं 20-25 साल के बाद में शुरू होती थी, और अब तो वो पैदा होते ही शुरू हो जाती है। इच्छाएं ही दुख का कारण है, जितनी कम उतना सुखी, जितनी ज्यादा उतना दुखी, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई हो, इच्छाएं तो दुख का कारण ही हैं। तो व्यापार दो तरह का हो गया, सामान किस लिए खरीदते हो, एक इच्छा पूर्ति का, एक आवश्यकता पूर्ति का। एक लिस्ट बनाना, यदि आपको अपनी इच्छाओं पर काबू करना है तो एक लिस्ट बनाना कि आपके पास में कितना सामान इच्छा पूर्ति का है और कितना सामान आवश्यकता पूर्ति का है, और फिर आप उसको कंट्रोल करने का प्रयास करना, फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपका कलेश, आपके लड़ाई, आपके झगड़े, आपका मन अशांत रहता था, सब कम हो गया है और मन में संतोष आ गया है। नहीं तो इतना तो भरा पड़ा है घर में, फिर भी पति से लड़ाई झगड़े, तुम ये नहीं लाते हो, तुम ये खरीद के नहीं देते हो, उसका पति देखो कितना अच्छा है, उसके लिए ये लेके आता है। जब खुद का वश नहीं चलता तो दूसरे के नाम पे मंगवाते हैं फिर। तो वाणिज्य, जितना तुम खरीदोगे बाजार में उतना ज्यादा आएगा, और जितना तुम कम खरीदोगे बाजार भी धीरे धीरे कम,
होने लगेगा। तो मैं आपके व्यापार कम हो ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी इच्छाओं की बात करके आपको सुखी करने की बात कर रही हूँ। अगला कर्म है, अंतिम कर्म है शिल्प। भगवान आदिनाथ ने शिल्प की शिक्षा दी। किसकी? शिल्प, आर्ट, कलाकारी। मूर्ति बनाने वाले को क्या कहते हैं? शिल्पी कहते हैं। कुछ निर्माण कर रहा है, कुछ नया बना रहा है। वाणिज्य में तो केवल लेना देना हुआ, विद्या में ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन शिल्प में कुछ नया निर्माण हुआ। जिससे निर्माण का काम होता है उसे शिल्प कहते हैं। वो चाहे मकान बनाने का काम हो, चाहे कपड़ा बनाने का काम हो, चाहे चित्र बनाने का काम हो, तो ये सब शिल्प के अंतर्गत आते हैं। तो शिल्प की शिक्षा भी भगवान आदिनाथ ने दी है। व्यापार में तो केवल वस्तु का मोल भाव किया है, लेकिन शिल्प में निर्माण किया है, और जो शिल्प के निर्माण से उसकी मेहनत लगी है उसकी कीमत ली है। क्या किया है? उसकी कीमत ली है। अब एक मूर्तिकार है, मूर्ति बनाता है, फ्री में नहीं बनाता है, पैसा लेता है। किसका पैसा ले रहा है? कलाकारी का पैसा ले रहा है। काम कम है और कलाकारी ज़्यादा है, सुंदरता ज़्यादा है। मूर्ति हर कोई नहीं बना सकता है। आर्ट वाले की, जो कलाकार होता है, उसकी उंगलियां ही अलग होती हैं, लंबी लंबी, नुकीली नुकीली, पैनी पैनी, ऐसी उंगलियां होती हैं कि कोई देख के बता दे उसकी उंगली को कि ये कलाकार है, या ये कला के काम में आगे बढ़े तो बढ़ सकता है, उसकी उंगलियों को देख करके बता दे, तो उसका दिमाग फिर वैसे ही चलता है, कला में चलता है। पेंटर बन जाएगा, सुंदर सुंदर चित्र बनाएगा, मूर्तिकार बन जाएगा, बहुत अच्छी मूर्ति बनाएगा, लकड़ी का काम करेगा, उसमें कारीगरी करेगा, पत्थर के काम के कारीगरी करेगा, और ऐसा व्यक्ति कंप्यूटर भी चला है तो उसमें भी कारीगरी करेगा, क्योंकि अब वो रंग वाली पेंटिंग तो कम होती जा रही है, कंप्यूटर वाली पेंटिंग ज़्यादा होती जा रही है। कंप्यूटर डिज़ाइनर, उसमें भी डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, उसमें भी अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं, इधर का उठा के उधर रखते हैं, उधर का उठा के उधर रखते हैं, या फिर पेंटिंग करते हैं, और यहाँ तक कि किसी की गर्दन हटा के और दूसरे की गर्दन उसमें लगा देते, नीचे का हिस्सा किसी और का और ऊपर का हिस्सा किसी और का। कलाकारी का भी कोई अंत नहीं है। और ये वर्तमान में दिख रहा है कि जो कोठी बनी, इसकी कोठी ऐसी बनी, इससे बढ़िया मैं बनाऊंगा, और बढ़िया इंजीनियर आर्किटेक्ट ढूंढ के, और वो भी सोचता है कोई नई डिज़ाइन डालूं, कोई कुछ नया करूं, फिर उसने नया, फिर उससे उस दूसरे ने नया बनाया, फिर दूसरे वो दूसरे ने, अंतर अंदर जो डिज़ाइनर का काम होता है, डिजाइनिंग का काम होता है, उसमें कुछ और लगाते हैं, फिर कमरे में कुछ और लगाते, कहीं कुछ और लगाते, यानी इसका भी कोई एंड नहीं है। कला का क्षेत्र भी बहुत, लेकिन इसमें एक है, एक बात है कि जो कलाकार होता है ना, जब वो अपने काम करता है ना, तब टेंशन रहित होता है, क्योंकि वो मन से पूरे उसमें समर्पित। एक पेंटिंग करने वाला जब पेंटिंग करता है ना, तो कलर और काम करना, इसके अलावा उसके दिमाग में कुछ और नहीं होता है। जब मकान बनाने वाला मकान की डिज़ाइनिंग करता है, तो वो डिज़ाइन में इतना खो जाता है कि उसे कुछ भी पता नहीं होता है। कला में आदमी खो जाता है, एक लेवर है, यहाँ का तसला उठाया वहाँ डाल दिया, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़ भोजन बनाती हो, आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भोजन यदि कला से बनाया जाए, क्या कुछ नया बनाना है। मोबाइल सामने रखा है, रखते हो ना, अरे बोलिए ना, अब एक चम्मच ये डालना है, अब दो चम्मच ये डालना है, अब इतनी देर पकाना है, घड़ी देखोगे तो आपका दिमाग नहीं भागेगा, क्योंकि आपने भोजन तो बनाया मगर कला से बनाया, उसमें भी कलाकारी करी आपने,
कपड़ा बनाना भी कलाकारी है। कपड़े में आपकी कितनी डिजाइन होती हैं, जो आप कपड़े पहनते हो कितनी डिजाइन के कपड़े होते हैं, तो आपको पता कैसे बनते हैं, कितने उनकी फैक्ट्री में डिजाइनर बैठे होते हैं, पहले वो हाथ से ड्राइंग करते हैं, फिर उसको मशीन पे कैसे लगाना है, फिर उसको प्रिंट कैसे करना है। तो ये सब कला का क्षेत्र है और इसकी शिक्षा भगवान आदिनाथ ने चतुर्थ काल के प्रारंभ समय में दे दी थी। अब आपसे कहा जाए ये दरवाजा आप इसमें फिट कर दो, जो चौखट लगी होती है चौखट पे आपसे कहा जाए ये दरवाजा उसमें फिट कर दो, कर दोगे? नहीं कर पाओगे। और वो खाती आएगा और 15 मिनट में यहाँ डाला, यहाँ इसको कसा, यहाँ ये किया, वहाँ वो किया और कस के चला जाएगा। हम देखते ही रह जाएंगे कि उसने लगाया कैसे दरवाजा। कितने मकान बनते हैं, ये पत्थर लगते हैं, पत्थर लगाना भी एक कला है। और इसमें जिसकी सफाई जितनी ज़्यादा उसको पैसा उतना ज़्यादा। अब जैसे पुताई करना है, अब पुताई करने में क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा, बस उठाया रंग डाला और पोत दिया। लेकिन नहीं, उसमें भी ब्रश कैसे चलाना है, यदि आड़ा टेढ़ा पोत दिया तो सूखने के बाद वो उसका जो कलर दिखेगा वो भी आड़े टेढ़ा दिखेगा। तो उसमें भी ब्रश कैसे चलाना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी। आप लोगों ने अपने घर की पुताई पहले समय में करी होगी, तो जब आप पुताई करते थे तो उल्टी सीधी करते थे तो आपके घर वाले आपको डांटते होंगे, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर, इसको ऐसे नहीं सीधे चला, इसको एक सा चला, एक ही उसमें चला। बोले बताते थे नहीं बताते थे आपको? तो ये भी एक कला है, लेकिन उसमें पुताई करने में उतनी कला की जरूरत नहीं है जितनी उस दीवार पर जब पेंटिंग करोगे, चित्र बनाओगे, तो उससे ज्यादा कला की जरूरत पड़ेगी। तो ये शिल्प का काम है। किसका काम है? शिल्प। और जो शिल्पकार होता है उसे शिल्पी कहते हैं, यदि आपकी अंग्रेजी भाषा में कहे तो उसे आर्टिस्ट कहते हैं। तो शिल्प की शिक्षा भी किसने दी? आदिनाथ भगवान ने। किसने दी? आदिनाथ भगवान में। जब वो राज अवस्था में थे तो इस संसार को चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए उन्होंने इन सब की शिक्षा देकर सबको जीना सिखाया। उसके पहले भोग भूमि थी तो सब कुछ मिल जाता था भोग भूमि से, और जब भोग भूमि के बाद कर्म भूमि आती है तो जैसे पहले जब भोग भूमि होती है तो वहाँ सूरज चांद नज़र नहीं आते, वहाँ रत्नों का प्रकाश इतना होता है कि सूरज चांद की रोशनी पता नहीं चलती है। और जब कल्प वृक्ष जाने लगते हैं तो सबसे पहले सूर्य चांद दिखते हैं दिन में सूरज, तो जो भोग भूमि के जीव होते वो डर जाते हैं। तो भोग भूमि के अंत में 14 कुलकर होते हैं। क्या होते हैं? 14 कुलकर होते हैं। तो वो उनके पास पहुँच जाते हैं, ये क्या दिख रहा है, इसमें से ये क्या क्या उजाला सा आ रहा है, वो डर जाते हैं। फिर वो समझाते हैं कि चिंता नहीं करो, अब ये समय कर्म भूमि का शुरू होने वाला है, उसमें ये सूर्य चांद होते हैं, ये दिन रात बनते हैं। उस समय तो दिन रात ही नहीं होता, वहाँ तो केवल रत्नों का प्रकाश इतना होता था। फिर कुलकर उन्हें समझाते हैं। फिर ऐसे ही जो कुत्ते आदि हैं, ये जानवर आदि हैं, ये कुछ खूंखार हो जाते हैं, खूंखार जानवर, तो उनसे डरने लगते हैं, तो उनसे बचने का उपाय बताते हैं। फिर बच्चा पैदा होता है तो उनका जीवन बचता है, पहले जीवन नहीं, मतलब जन्म हुआ बच्चे का और पति पत्नी एक को जम्हाई आई, एक को छींक आई, नमो सिद्धारम, अपने बच्चे का मुख भी नहीं देखते थे, फिर अपने बच्चे को देखते हैं तो अरे ये क्या है। फिर उन्हें एक कुलकर ये समझाते हैं, तो ऐसे जो नाभिराय, भगवान आदिनाथ के पिता जो नाभिराय थे, उनका नाम नाभिराय क्यों है? वे अंतिम कुलकर थे। क्या थे? वे अंतिम कुलकर थे और उनका नाम नाभिराय। नाभि का मतलब नाभि जानते हो? अरे बोलिए ना, कहाँ होती है? पेट में होती है। अच्छा, और जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे के साथ में क्या आती है? नाभि आती है ना, नाल आती है, नाल नाभि, तो वो आती है। तो जब बच्चे के साथ में नाल आई तो लोग डर गए, बोले अब क्या करें? बोले इसको काट दो।
क्या कहा? इस नाभि को काट दो। तो नाभि को काटने की राय दी थी क्या? नाभि को काटने की राय दी थी अंतिम कुलकर ने, तो उनका नाम क्या है? नाभि राय। आप लोग शब्द बोलते हो मगर शब्द का अर्थ नहीं निकालते हो। भगवान का नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? आदि। आदि का क्या मतलब होता? शुरुआत। आदि का क्या मतलब होता है? शुरुआत, प्रारंभ, है ना। तो सबसे पहले कौन से तीर्थंकर हुए? उनका नाम आदिनाथ क्यों है? क्योंकि वो हाँ शुरू में हो गए थे। तो ये सारी शिक्षा, सबसे पहली शादी किसकी हुई थी? आदिनाथ की। किसकी हुई थी? आदिनाथ की। पहले भोग भूमि थी तो वहां शादी की जरूरत ही नहीं थी। जोड़ा पैदा होता था, जोड़ा चला जाता था, दूसरा जोड़ा पैदा हो जाता था। अब यहाँ शादी की शुरुआत हुई। अब शादी की शुरुआत हुई तो शादी कैसे होती है? ये यहाँ से शुरू हुआ। आदिनाथ भगवान के, आदि प्रभु के शादी का विवाह मंडप सबसे पहला कुबेर ने बनाया था। किसने बनाया था? कुबेर ने बनाया था। और आदि प्रभु ने शादी हो इस बात की स्वीकृति ओम कह के दी थी, ऐसा मैंने आदि पुराण में पढ़ा है। ओम स्वीकृति हो गई, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आदिनाथ भगवान के समय से शुरू हुई है। पहला चक्रवर्ती कौन है? इस देश का नाम किसके नाम से भारत पड़ा है? भरत चक्रवर्ती के नाम से। किसके नाम से? भरत चक्रवर्ती के नाम से। उनका जो दूसरा पुत्र था वो कौन था? बाहुबली। कितने पुत्र थे आदिनाथ के? 101। कितने थे? 101। भरत आदि 100 भाई और एक बाहुबली, और दो पुत्रियां थी। हालांकि तीर्थंकर की पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन ये हुंडाओ सर्पणी काल का प्रभाव है कि तीर्थंकर की पुत्रियां हुई। लेकिन उन पुत्रियों ने भी क्या किया? भगवान प्रभु पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। पूछा, बोले ऐसा कौन है जिसके सामने आप सर झुकाओगे? बोले बेटा, जिसके साथ तेरी शादी होगी उसके सामने झुकाना पड़ेगा। आपका सर हम नहीं झुकने देंगे। और दोनों ने दीक्षा ले ली। ऐसे महापुरुष उनके परिवार में जन्म लिए भरत और बाहुबली। क्या मोक्ष गए कि नहीं गए? 99 अन्य पुत्र मोक्ष गए। उसके पश्चात आप देखिए, जो पहली आरिका थी वो कौन थी इस युग की? ब्राह्मी। कौन थी? ब्राह्मी। दूसरी थी सुंदरी। सुंदरी छोटी थी। एक ही परिवार में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया? तीर्थंकर आदिनाथ, कुलकर नाभि राय, ठीक है, चक्रवर्ती भरत, बाहुबली कामदेव। कितने महापुरुष हो गए? 4। नाभि राय, आदिनाथ, भरत और बाहुबली। एक ही घर में 4 महापुरुषों ने जन्म लिया। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसके घर में तीर्थंकर हो उसके घर में चक्रवर्ती भी हो, जिसके घर में जो तीर्थंकर हो उसके घर में कामदेव भी हो। कोई जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अन्य समय में ऐसा नहीं हुआ, दो समय में ऐसा हुआ है, केवल भगवान नैमिनाथ के समय में और भगवान आदिनाथ के समय में। भगवान नैमिनाथ के समय में तीर्थंकर नैमिनाथ थे। चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और सुबह सुबह अतिशयकारी चमत्कारी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की तस्वीर देखने का। कलाकारी में गढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और सुबह सुबह तस्वीर देखकर चालीसा
आदि कोई पाठ पढ़ने का, मिलने में संयोग का, जीव के उपयोग का, मिलने में संयोग का, जीव के उपयोग का, और जीवन में अपने फोटो को देखकर धर्म करने के योग का, बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, आपके मुस्कुराने का, बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए, धैर्यवद होने में गदगद का, मंत्रों में बदवद का, और आने वालों में धैर्यवद का, बड़ा ही महत्व है। रामगढ़ वृक्षों में बड़ का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में रामगढ़ का। प्रतापगढ़ बड़ की जड़ का, बुढ़ापे में बड़बड़ का, नहीं नहीं और आने वालों में प्रतापगढ़ का, बड़ा ही महत्व है। पीने में पानी का, रिश्तों में नानी का, और आने वालों में सिवनी का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जबलपुर का, बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए, उदयपुर रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में उदयपुर का, बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो, इच्छा रिक्शा, नहीं चलाने में रिक्शा का, लेने में दीक्षा का, और आने वाले में इस रिक्शा का, बड़ा ही महत्व है। आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में उनियारा का, बड़ा ही महत्व है। देने में दात का, खेत में खाद का, और आने वालों में गाजियाबाद का, बड़ा ही महत्व है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जो इतनी आकर्षक मोहक मुद्रा है, बार बार यहाँ आने का मन करता है। मैं बहुत बार पहले भी आ गई हूँ और आज बहुत खुश हैं हमारे लांगड़ावास वाले भाई जी साहब, यहाँ पर सब पूरी बस लेकर आए हैं और इससे हम बहुत सब बहुत प्रसन्न हैं। चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पुर। पुकारे 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 जहाज पुर, भक्तों आओ आ जाओ, पुकारे जहाज पुर, भक्तों आओ आ जाओ, पुकारे जहाज पुर। सन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राज ग्रही में जन्म लियो आप, राज ग्रही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।